इसका विधानसभा चुनाव अब तक के जितने भी चुनाव पिछले 35 सालों में हुए होंगे उन सब से जुदा होगा। व्यापारी वर्ग निर्णायक होगा कि उत्तर प्रदेश किसके पाले में जाएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा, यह निर्णय व्यापारी करेगा। ये बात मैं आज 17 अक्टूबर को कह रहा हूँ, इस बात को आप भी महसूस करें। क्या सीटों के बंटवारे में आपका कोई रोल होगा? मेरी क्या भूमिका होगी मैं ये अभी नहीं बताऊंगा। मैं ये आपको बताऊंगा कि इस बार का चुनाव व्यापारी तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर। गुप्ता जी से मिला, लगभग 30-35 मिनट उनके परिवार में रहा। उस व्यापारी मनीष गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हम साधुवाद देंगे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 40 लाख रुपए की सहायता राशि दी, केडीए में उनको नौकरी दी। 5 साल के भाजपा शासन के कार्यकाल में व्यापारियों के हितों पर कोई काम हुआ है कि नहीं? अगर आपको ध्यान हो 2015-16 में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रयास से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया था और सरकार बदल गई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही जब हम लोगों ने उनसे वार्ता की, अपना पत्र दिया, भेंट की, उन्होंने जो पुलिस के डिप्टी SP इंचार्ज होते थे व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के, उसको बढ़ा करके एडिशनल SP कर दिया। ये एक अच्छी बात थी। दूसरी बात, जो बैठकें नहीं हो रही थी सुरक्षा प्रकोष्ठ की, मुझे लगता है कानपुर में भी हर माह बैठक हो रही है, ये एक काम हुआ कि व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से हर जनपद में बैठक होने लगी। लेकिन अभी और तक 75 साल में विषय नहीं आया। ऐसे 2-3 विषय हम लोग बार बार भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में रख रहे हैं। पहला विषय है स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की तरह उत्तर प्रदेश में 6 विधान परिषद के सदस्य 17 लाख GST में पंजीकृत व्यापारियों के द्वारा चुने जाएं। पहला तो नया हम ये कर रहे हैं। दूसरा, हम ये कैडर्स डे भी तो होना चाहिए, व्यापारी दिवस होना चाहिए व्यापारी के सम्मान के लिए। तो ये नया नहीं है, है तो 75 साल पुराना, लेकिन सोचा अब गया है तो विधान परिषद चुना जाए पंजीकृत व्यापारी के द्वारा, ये हमारी मांग है। व्यापारी दिवस घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। वरिष्ठ व्यापारियों को पेंशन दी जाए, ये हमारी मांग है। और सबसे बड़ी बात, ये जो इंस्पेक्टर राज है, किसी के यहाँ जाँच के लिए पहुँच गए, किसी के यहाँ सैंपलिंग के लिए पहुँच गए, बांट माप वाले अपने पैसे उगाही के लिए पहुँच गए, एक 5,000 और 7,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला एक आदमी वो तय करेगा कि 1 करोड़ रुपये टैक्स देने वाला व्यापारी बेईमान है कि नहीं है? इसलिए पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को। ये हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे इंस्पेक्टर राज को पूरी तरीके से बंद